हेलो। हाँ जी, आज उस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो आप रोड़ों पर खड़े होकर चिल्लाते हो, मेरे राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, मेरे राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। समझ में आई बात? तो आप जानेंगे कि फंडामेंटल राइट है क्या। पहले तो यही समझ लें कि राइट क्या होता है। और मैं आपको एक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाना चाहूंगा, और आपने कभी कभी टैगलाइन भी पढ़ी होंगी, साडा हक एथे रख। क्या वर्ड है? साडा हक। एथे रख। जब इस चीज को सोचता हूं ना, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है प्रोफेशनल वाला, प्रोफेशनल वाला ख्याल आता है। तो देखिए, अब हम इस सॉन्ग का ऑपरेशन करने वाले हैं। साडा हक एथे रख, वो है ना, तो पोस्टमार्टम कर देते हैं। व्हाट डू मीन बाय हक? अगर मैं हक की बात, इजमानुल हक नहीं, वो बैट्समैन है। हक हक का मतलब क्या होता है? इट क्लियर। हक का मतलब क्या होता है? कोई भी राइट, सुनना सुनना मेरी बातों को, कोई भी क्लेम। कहते ना क्लेम, मेरा क्लेम बनता है जी, तो वो भी हक होता है। आज मैं पहले आपके सामने डिस्कस करूंगा कि एक इंसान के राइट कितने तरीके के हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ राइट्स, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट तो बाद में जाने की जरूरत है, पहले यह जानना जरूरी है फ्रॉम द जीरो लेवल। तो आज का जो कॉन्सेप्ट होगा वो जीरो लेवल होगा, बट जीरो नहीं होगा, बताएगा बहुत कुछ। कॉन्सेप्ट फ्रॉम द जीरो लेवल। एक इंसान के तीन तरीके के हक होते हैं बेटा। फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, पता है मुझे कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। दूसरे होते हैं, पेन चेंज कर लूं, प्रोप्राइटरी राइट। जब मैं एक वो रॉक स्टार मूवी में भी ये गाना था, साडा हक एथे रख, मैं भी उस मूवी को देखने गया, उसने बहुत देर रोया, साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख। जब तक मैं उसे ऑडियंस के एंगल से देख रहा था तो मुझे गाने में मजा आ रहा था, लेकिन जब मैंने उसे एक सीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, एक एलएलबी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, मैंने कहा यार इस हीरो का कौन सा हक कहां गायब हो गया जिसे उठाकर इधर रखना है। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? दूसरा है जी प्रोप्राइटी राइट, और तीसरा राइट होता है आपका द स्ट्रॉन्गेस्ट राइट, फंडामेंटल राइट। समझना। और तीनों के कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट आपका क्या होता है? जो अराइज फ्रॉम एग्रीमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, याद है? कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट होता है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, और वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है जो कि पार्टीज को राइट कन्फर करे, राइट और ऑब्लिगेशन कन्फर करे। प्रॉपर्टी राइट होता है आपका मालिकाना हक। कौन सा हक? और फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं। तो
दे आर द थ्री टाइप ऑफ द राइट. अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. ले लेंगे एग्जाम्पल. तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे हम कॉन्ट्रेक्चुअल राइट का. ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट बना. क्या बना? एक जैसे ही वर्ड आया एग्रीमेंट, तो कैसे राइट होंगे बताना. जैसे ही वर्ड आया एग्रीमेंट तो कैसे राइट होंगे? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट. बात खत्म. एक फादर है, उसकी प्रॉपर्टी है कनॉट प्लेस में. वाओ है, एकदम दिमाग में आता है. कनॉट प्लेस का नाम लेते हैं. प्रॉपर्टी है उसकी, सीपी में प्रॉपर्टी है 10 करोड़ की. 10 खोखे की प्रॉपर्टी है. 10 खोखे का मतलब समझा मुंबईया लैंग्वेज में? 10 करोड़. ओके, इसके बेटे का जो इसका क्या है, सन है, इस प्रॉपर्टी पर हक है या नहीं है? है या नहीं है? तो बताना कौन सा हक है. मालिकाना हक है. पॉइंट क्लियर? एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर टू. तीसरी बात आती है जी आपकी, एग्जाम्पल नंबर थ्री. आपने सुनना मेरी बातों को, आपने एक इन्वेंशन की. सोनी एक लड़की है, उसने एक इन्वेंशन की. क्या की? एक इन्वेंशन की. और उस इन्वेंशन को प्रोटेक्टेड करा लिया, यानी कि उस पर पेटेंट ले लिया, या एक ओदर ने बुक लिखी उस पर कॉपीराइट ले लिया. कुल मिला के आपने एक वर्ड सुना होगा ना, आईपीआर. आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रोप्राइटरी राइट. प्रॉपर्टी राइट नहीं, प्रोप्राइटरी राइट. तो बताना जी ये कैसा राइट है बताना. नाम से ही लग रहा है ये तो मालिकाना हक है. पॉइंट समझ में आया? नहीं आया. तो मैंने आपको, यानी कि प्रोप्राइटी राइट दो तरीके के हो सकते हैं. एक तो जो आपको विरासत में मिले हो, बाप दादा का माल. इज दैट क्लियर? एक दूसरा कौन सा हुआ, जो आपने खुद से क्रिएट करे हो. क्लियर हुआ जी? दोनों राइट क्लियर हुए. तीसरे जो है आपके स्ट्रॉन्गेस्ट राइट, दैट इज द फंडामेंटल राइट. कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में डिफाइन है, कहां से लेके कहां तक आर्टिकल में इनका जिक्र है, ये दो चीज समझ लो. तो जी कौन से पार्ट में? थर्ड में. कौन से पार्ट में डिफाइन है बच्चों? थर्ड में. और आर्टिकल 32 इनका जिक्र है. लेकिन मैं आपको मेनली बात करूंगा तो आर्टिकल 14-32 करूंगा. तो बेसिकली कितने फंडामेंटल राइट्स हैं बेटा, नोटिंग करते जाइए. कितने फंडामेंटल राइट हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. पॉइंट क्लियर हुआ? तो शुरू से आर्टिकल रटने मत लगना. मैं उसका एक फॉर्मूला दूंगा आपको याद करने का. मेरा अपना एक फॉर्मूला है. इज दैट क्लियर? लेकिन मैं तुम्हें एक बार वहां तक ले आऊं, पहले बेस तैयार कर दूंगा आप लोगों का. देखिए जी, मैंने आपको बताया
फंडामेंटल राइट का सिक्सर, यानी कि छह फंडामेंटल राइट्स हैं। पहला जो आपका फंडामेंटल राइट है, पहला राइट टू इक्वालिटी, पहला जो फंडामेंटल राइट है वो कौन सा है आपका? दूसरा फंडामेंटल राइट है उड़ जा, देख रहे हो, मतलब फ्रीडम, आजादी। घर में देखते हो राइट टू इक्वालिटी सबसे ज्यादा चाहिए, भाई बहन में क्या चले, घर में सब बराबर होते हैं, चाहिए ना राइट टू इक्वालिटी, ये मेरा क्या है फंडामेंटल राइट है। पर मम्मी से मत बोल देना फंडामेंटल राइट है, मम्मी चप्पल से सारे फंडामेंटल राइट उतार देती है, मम्मी के चप्पल के आगे सब कुछ क्या है, सब खत्म है, ठीक है। दूसरा आपका राइट टू फ्रीडम, देखो आप पिक्चर्स को अगर ध्यान से देखें तो आपको बोलने की आजादी है, बोल समझना मेरी बातों को बेटा, बोलने की आजादी है, घूमने फिरने की आजादी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि इस राइट में कितनी आजादी है, ठीक है ना। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, लेकिन वो मर्जी भी बताएंगे कि किस लेवल तक मर्जी है। मैं कुतुब मीनार पे चढ़ के पतंग उड़ाऊं, मेरी मर्जी, आज बात समझ में, मर्जी का भी एक लिमिट्स है, क्या है मर्जी की एक लिमिट्स है, मतलब एक तरीके से आपको अनलिमिटेड फ्रीडम नहीं दी हुई है, नहीं तो तुम आतंक मचा दोगे। तीसरी राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म चुनने का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, पढ़ने का अधिकार जिसकी बदौलत आज आप यहां बैठे हैं, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। तो जी पहला कौन सा हुआ, राइट टू इक्वालिटी, दूसरा राइट टू फ्रीडम, तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल। अब मैं जाते 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 आपको एक बात बोलकर जा रहा हूं, जिसे आप स्पेशल नोटिंग लिख लीजिए, विदाउट फंडामेंटल राइट डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट पॉसिबल, मतलब क्या है ओवरऑल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, बंदे का तीनों तरीके का डेवलपमेंट, तीनों तरीके का डेवलपमेंट, पहला सोशल, दूसरा पॉलिटिकल, तीसरा इकोनॉमिकल। मतलब क्या है बच्चों कि देखिए आप समझिए, अगर आपको राइट ऑफ रिलीजन नहीं हो तो क्या आपका सोशल डेवलपमेंट पॉसिबल है, आपका शोषण होता हुआ आ रहा हो राइट ऑफ एक्सप्लोटेशन तो सोशल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, आपको राइट टू वोट ना हो तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है आपका, आपको राइट टू पीजी, राइट टू प्रोफेशन ना हो कि आप अपनी मर्जी का प्रोफेशन कर सकते हैं तो क्या आपका ओवरऑल डेवलपमेंट पॉसिबल है। तो फंडामेंटल राइट क्या कराते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट, इज दैट क्लियर।
एक चीज और आपको ध्यान रखनी है जब भी आप फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे कि कुछ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन ओनली है। और कुछ फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू ऑल पर्सन है। चाहे उसमें सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो। चाहे उसमें इंडिविजुअल हो या कंपनी हो। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कंपनी क्या है, कंपनी को सिटीजन माना गया है क्या? क्योंकि सिटीजन उसे ही माना जाएगा जो इंडिविजुअल हो, क्या हो, जो प्लस राइट टू वोट हो एज पर सिटीजनशिप एक्ट। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, दिल का बड़ा क्या है, अमीर है। कुछ फंडामेंटल राइट तो कह देता है ये तो केवल सिटीजन के हैं, और कुछ फंडामेंटल राइट सबको देता है, चाहे वो सिटीजन है या वो नॉन सिटीजन है। इज दैट क्लियर? तो जब भी आप फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे आने वाले आर्टिकल्स में, तो इस चीज का ध्यान रखें कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली है, और कौन कौन से ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो अवेलेबल टू ऑल पर्सन है, चाहे वो पर्सन क्या है, सिटीजन है या नॉन सिटीजन है। तो मैंने आज कुछ आपको टैक्ट दिए, कुछ आपको टिप्स दी कि कैसे पढ़ते हैं, किसको, समझ रहे हो मेरी बातों को। और एक चीज और मैं आपको बता दूंगा, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, लास्ट टैक्ट, आप कितने फंडामेंटल राइट्स हैं आपके टोटल? 6 फंडामेंटल राइट बताए सर ने। इसमें से 5 तो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, और एक आपकी रिमेडी है। समझना मेरी बातों को। और ये रिमेडी कब यूज होती है? जब ये फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, वॉयलेट होते हैं। और ये जो रिमेडी है जिसका इकलौता सेक्शन है, डेट इज आर्टिकल 32। और ऐसी रिमेडी नहीं है छोटी मोटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिमेडी है। कैसी रिमेडी है बेटा? ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसके पीछे रीजन भी है, इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों बोला गया है। ऐसे ही नहीं किसी चीज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल देते। पॉइंट क्लियर बच्चों? ओके बाबा, बाय बाय, टेक केयर।